हरे कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के टाइम से। अभी करीब 1 बजे का टाइम हो चुका है और आई थी थोड़ी देर के लिए छत पर घूमने। धूप तो नहीं निकली है आज भी, क्योंकि देखिए मौसम, धुंध भी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन धूप भी नहीं निकली है। और धूप ना निकले तो सर्दी तो रहती है, और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है रामपुर में तो वैसे भी। तो बस थोड़ी देर छत पर घूमने के लिए आई थी, उसके बाद जाऊंगी मैं नीचे। और बैग वैग मैंने लगा लिया, आज है 3 तारीख जैसे कि, तो बस मुझे लुधियाना भी जाना है। और बस अपना बैग वैग लग गया है, सारी तैयारियां मेरी हो चुकी हैं, बस जाने का नंबर आएगा। 2:30 बजे जाऊंगी, क्योंकि ट्रेन आधा घंटा लेट है और 3 बजे की ट्रेन थी तो 3:30 बजे आएगी, इसीलिए थोड़ी देर घर से लेट ही चलेंगे। अभी तो 1 बजे है, तो मैं करीब 2 बजे निकलूँगी घर से, 2:45 बजे घर से निकलेंगे। तो टेम्पो वाला 1-1.5 घंटे में पहुँचा देता है सहारनपुर। बस सहारनपुर जाएंगे, वहीं से हमें मिलेगी ट्रेन। कोई बुला रहा था शायद मुझे नीचे। और सुबह में मैंने खाने में बनाए थे मटर पुलाव, आलू गोभी, मटर प्याज वगैरह सब कुछ रखा हुआ था, तो मैंने वो सब गिर कर मटर के चावल बना लिए थे चाय के साथ, वो सब बच्चों को दिए, सब ने नाश्ता पानी किया। उसके बाद मैंने बनाई थी दाल, माँ छोले की दाल, चने की, और काली साबुत जो दाल होती है वो बनाई थी। बस खाना वाना बना के रखा है, बर्तन साफ किए, सफाई वगैरह की, काम जितना भी था घर का सारा निपटा दिया फिलहाल तो। और बस जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, मम्मी भी तैयार हो चुकी है, बैग वैग भी लग गया है, तो बस देखती हूँ कितनी देर में हो जाएंगे। फिलहाल मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि मुझे बैग में ब्रश वगैरह रखने हैं और कुछ एक दो और सामान जो रह गए हैं वो भी रख लेती हूँ। बाकी तो मैं तैयारी हो चुकी हूँ ना, मैं सुबह ही ली थी, क्योंकि फिर सर्दी का टाइम है तो फिर मुझे भी लगा धूप पता नहीं निकलेगी भी या नहीं, सूजी से सुबह ही नहा लिया था और उसके बाद ही नाश्ता वगैरह बनाया था। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको रास्ते में। अभी तो पूरी तैयारी तो हो चुकी है, थोड़े से कपड़े वगैरह रखे हुए, बच्चों के ड्रेस वगैरह उनको प्रेस करना है, उनको प्रेस करके रख देती हूँ सोच रही हूँ, क्योंकि स्कूल तो अभी नहीं खुले हैं, स्कूल की छुट्टी पड़ी हुई है, आने के बाद ही खुलेंगे बस। और ये देखिए बैग मेरा ये लग चुका है, बस जंगन करनी है, लस्सी लेकर जानी है, तो यहाँ पर मैंने बोतल में लस्सी भी भर ली है, बस इसको डाल लूँगी बैग में ही, साइड चैन में डाल लूँगी, भारी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है बोतल। और सर्दी तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रखी है, सर्दी की वजह से कुछ भी करने का भी मन नहीं कर रहा है। बस चलिए फिर मैं आपसे रास्ते मिलती हूँ और वीडियो को कंटिन्यू रखती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बस अड्डे पे बिठा कर गए थे हस्बैंड जी, तो बस हम टेम्पो में वहाँ से सहारनपुर तक आ गए थे रामपुर से। और सहारनपुर आने के बाद यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं स्टेशन पर, तो हमारे पास 2-3 बैग थे, तो बस मैंने बैग पकड़ रखे थे इसलिए वीडियो शूट नहीं किया मैंने कोई भी रास्ते का। और थोड़ा सा भी डर भी लगने लग गया, क्योंकि आजकल देखा है मैंने कोई वगैरह फ़ोन वगैरह छीन लेते हैं बाइक वगैरह पर जाते हुए, तो बस इसलिए फ़ोन वगैरह मैंने नहीं निकाला था पर्स से। और यहाँ पर स्टेशन पे पहुँच चुके थे, तो बस यहाँ पर मेरी खड़ी हैं और ये बच्चा मतलब सॉरी आर्यन भी खड़ा है और वेट कर रहे थे ट्रेन का। तो ट्रेन ने आना था 3:30 बजे और अभी बज रहे थे 3:10 का टाइम हुआ था, तो ट्रेन नहीं आई थी, काफ़ी लेट तक हम वहाँ पर खड़े रहे वेट करते रहे, ट्रेन नहीं आई थी। तो एक दूसरी ट्रेन जा रही थी तो हम उसमें चले गए थे जमुनानगर तक, और जमुनानगर से गाजी में जाकर हमें वहाँ पे उतरना पड़ गया था, क्योंकि जो टीटी भैया थे उनको हमने बोला था कि आप 300 रुपये ले लो और 100 रुपये तीनों के ले लो, और हमें लुधियाना तक ही जाना है, हमारे पास टिकट दूसरी ट्रेन की थी, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। काफ़ी देर तक हमने उनसे रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं माने, और हम वो मांग रहे थे 1500 रुपये, तो 1500 हमें बहुत ज़्यादा लग रही थी इसलिए हमने 1500 नहीं दिए और हम जमुनानगर ही उतर गए थे। और उसके बाद हमने वहाँ पर 5 घंटे वेट किया था, क्योंकि हमारी जो ट्रेन आनी थी वो लेट थी, और वो आई थी करीब 9 बजे के करीब आई थी, और हम 5 बजे ट्रेन में से उतर गए थे झूंसी, तो हम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक स्टेशन पर बैठे रहे और वहाँ पर वेट करते रहे। काफ़ी देर तक वेट वगैरह करने के बाद हार के फिर हमारी जब 9 बजे ट्रेन आई फिर हम उसमें बैठे। और अभी जाकर देखिए हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, तो बस ट्रेन में बैठने के बाद ना भूख भी लगने लगी थी अभी, और मैंने निकाला है चिप्स का पैकेट, क्योंकि चिप्स रखा था मेरे पास, तो बस मैं वही खा ले रही हूँ। और मम्मी के पास रखी हुई थी चूरी, जो कि मम्मी घर से लेकर चली थी चूरी खाने के लिए, तो वो ले ली है, और मम्मी और आर्यन चूरी खा रहे हैं और मैं खा रही हूँ अपने चिप्स।
तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे थे अभी मेरी थकावट की वजह से। काफ़ी देर तक मतलब हम वहाँ बैठे रहे उसकी वजह से थकावट हमें बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और यहाँ पर देखिए सीटें थी लेटने वाली, लेकिन ना मम्मी लेट रही थी ना मैं लेट रही थी और ना ही आर्यन, तो बस हम बैठे हुए थे आराम से और वेट कर रहे थे बस जल्दी से लुधियाना आए और हम उतरे। और यहाँ पर देखिए जैसे ही लुधियाना आया बस उतरने के बाद स्टेशन पर तो मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बैग वगैरह की वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाता, तो बस बाहर आने के बाद यहाँ पर बैठ चुके हैं अभी गाड़ी में। लेने आ गया था दी का लड़का, आया था लेने के लिए और बस लेने आ गया था अपना फटाफट से भी देकर जाएगा घर। और अभी बच चुके थे करीब 11:30 बजे का टाइम हो रहा है, हम पूरे 11:15 बजे स्टेशन पर उतर गए थे, उसके बाद घर आने में कम से कम हमें वही 12 बज गए थे। और 1 घंटा लगता है स्टेशन से घर आने में, 1 घंटा मतलब स्टेशन से घर आने में लगता है, उसके बाद वही 11:15 से लेकर 12:15 हो गए थे, पूरे 12:23 पर मतलब हम घर आए थे। और आने के बाद मैंने कोई वीडियो वगैरह भी शूट नहीं किया ज़्यादा, बस अपना खाना पीना खाया, दाल रोटी बना रखी थी दीदी ने बस वो खाई और उसके बाद चाय पानी पिया और फिर बातें करते रहे हमें रात के 3 बज गए थे, उसके बाद हम सो गए थे और इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए फ्रेंड्स अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो अभी करीब 7:30 बजे का टाइम हो चुका है, मैं उठ चुकी हूँ और हम रात आए थे बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, इस वजह से सुबह उठ गए अभी थोड़ा सा लेट हो गया है। और उठने के बाद अभी मम्मी गई हुई है वॉशरूम और दीदी कर रही हैं किचन में शायद कुछ काम कर रही हैं क्योंकि उनके बच्चों ने जाना है, तो बस अपना नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हैं। और अभी उठ हूँ, अब जाऊँगी देखती हूँ, उसके बाद करूँगी ब्रश वगैरह और मैं नहाऊँगी रहूँगी। तो बस आज का दिन थोड़ा सा ही बीत रहा है क्योंकि भी थकान भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, थोड़ा सा काम जो रहता है वो सब नाश्ता पानी करके। और कहीं बाहर तो नहीं जाऊँगी इसीलिए कोई वीडियो भी नहीं बनाऊँगी घर की, तो क्या ही बनाऊँ। और कल चले जाएँगी मम्मी भी, तो बस कल मम्मी चले जाएँगी और परसों में जाऊँगी देखिए लड़की के वहाँ पर, तब देखूँगी शायद अगर हो सका तो मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत वीडियो शूट करूँ, नहीं तो नहीं। और रात से वीडियो चल रहा है तो बस मैं इसी के साथ कर दूँ वीडियो का भी एंड। आई आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाई।